तो फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में मुझे मिले हैं भगत अमृतसर चोर नान। दोस्तों, बहुत टेस्टी और अमेजिंग टेस्ट है यहाँ का। और मैं आपको बता दूँ, ये हाल ही में ओपन हुई है, और ओपन होते ही यहाँ पे क्राउड अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो लाजवाब है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ कस्टमर जो खाना खा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी अंकल जी, हेलो, ये कैसे हैं आप? क्या नाम है अंकल आपका? वेद प्रकाश। तो अंकल, खाना कैसा है? बहुत अच्छा खाना है। अच्छा, और यहाँ का प्राइस? स्वादिष्ट बना है। अच्छा अच्छा, रीजनेबल प्राइस है। कितने रुपए की थाली है? 60 रुपए की थाली है। ओके, और भी वैसे 80 का है उनका जी, 200 का है। तो 60 रुपए में क्या क्या मिला है आपको? नान है इसमें, ये सी पनीर की सब्जी है, ये चोर नान है, पनीर की सब्जी है, और ये दाल मखनी, सलाद भी दिए, चटनी वगैरह भी है। रायता कैसा लगा इनका? रायता बहुत अच्छा है। रायता बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। कहाँ से आए अंकल आप? पलवल से। पलवल से आए आप स्पेशली? क्या बात है। ये भैया भी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। हेलो भैया, आप कहाँ से आए? बल्लभगढ़ से आए। खाना कैसा लगा इनका? टॉप है। और हम लोग यहाँ के प्राइस की बात करें तो 60 रुपये थाली है। 60 रुपये की थाली है। चोर नान, ये मुझे लगा पूरे मक्खन से रोटी को निला रखा है प्रॉपरली। रायता वायता इनका, पनीर की सब्जी कैसी लगी? जो भी आपके सामने स्वादिष्ट। आप बल्लभगढ़ से स्पेशली यहाँ पर आए हैं या कहीं जा रहे थे तो आपको ये मिला? आप रुके, सॉरी, अच्छा, चलो बढ़िया है। आइए दोस्तों, और जी ढाबे के ऑनर से बात करते हैं और बताते हैं आपको। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है पनीर नान थाली ओनली 120, चोर नान है यहाँ पे 100 रुपीज की, और बटर नान आप ये देते हैं 90, और आलू नान है यहाँ पे ओनली 80 रुपये का। और दोस्तों, ये स्पेशल थाली भी जो सिर्फ 60 रुपये की यहाँ पे मिलती है। आइए ऑनर से बात करते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? राज नाम। राज भैया, कितना टाइम हो गया शॉप पर? जी भैया, कितना टाइम हो गया? महीना भर होने वाला। भैया, मैं देख रहा हूँ कि मैं 2-3 बार पहले भी यहाँ पे आया था, तो महीने भर में काफ़ी अच्छा क्राउड यहाँ पे आ गया। तो ऐसा क्या टेस्ट है यहाँ के खाने का जो लोग इतने दीवाने हो गए यहाँ पे? क्वालिटी के ऊपर बात है। क्वालिटी के ऊपर बात है। अच्छा अच्छा, ओके। खाते हैं इनकी प्रॉपर क्वालिटी, हाई क्वालिटी वाली सब्जी, और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो इतना टेस्टी खाना आप खा रहे हैं, हमारे साथ में वो साथ जिन्होंने खाना बनाया। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? सूरज भाई, आपने बनाया सारा? जी सारा। ओके, तो दिखाइए हमारे पास क्या क्या है। ये है बूंदी वाला रायता। दोस्तों, ये है बूंदी वाला रायता, और आप इसमें देख रहे हैं वेजिटेबल और बूंदी इसमें भरी हुई है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। और क्या हमारे पास? ये हैं दोस्तों छोले, और ये दोस्तों छोले हैं। देखिए, छोलों के रंगत और छोलों की जो क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, ये दाल मखनी। ये दोस्तों दाल मखनी के ऊपर प्रॉपरली वेजिटेबल का यूज किया गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है, दिख रहा है मुझे। और इसमें क्या रहेगा भैया? ये इसमें शाही पनीर। दोस्तों शाही पनीर, और शाही पनीर के जो पीसेस है वो भी काफी बड़े बड़े, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ रखा हुआ, ये चटनी, हरी चटनी है दोस्तों, और ये सलाद है, सलाद है, और ये क्रीम है, पनीर है प्रॉपरली, और ये ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश है, अमूल मक्खन है सर, इसमें भी है, इसमें भी है। अमूल का मक्खन यूज किया जाता है इसमें जी। ओके ओके दोस्तों, ये देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये ड्राई फ्रूट जो छोटे नान में यूज करते हैं, वो ड्राई फ्रूट। ओके ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि इनके जो सब्जी वो भी है बहुत हाई क्वालिटी की, और ये लग रहा है यहाँ पे इनका तंदूर, आप देख सकते हैं। और ये जो ये लच्छा पराठा है, लच्छा पराठे के ऊपर आप देखेंगे इन्होंने धनिया, और ये क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर, यस चुकंदर का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये लग रही है इनका लच्छा पराठा, अमूल का मक्खन लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हाँ दोस्त, ये लग रही है दोस्तों इनके चोर नान, लच्छा पराठे के ऊपर इन्होंने पनीर और मक्खन डाल दिया। अब इसके ऊपर आ गए ड्राई फ्रूट्स, ये आ गए दोस्तों ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम बोल रहा हूँ, काजू, यस यस काजू, और ऊपर से आ गया धनिया, हरा धनिया, बहुत बढ़िया। अब इसको मिक्स कर देंगे, क्या बात है यार। दोस्तों ये उनके हो गए इनके थाली रेडी। दोस्तों ये इनकी थाली रेडी है, चोर नान के दो पीसेस में आप देख सकते हैं। ये आ गया इनका प्याज और हरी चटनी, ये इनकी शाही दाल मखनी विद सैलेड यूज़ किया गया, ये इनका शाही पनीर, शाही पनीर के ऊपर भी इन्होंने देखिए मक्खन डाल रखा है, और ये इनका रायता, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हाई क्वालिटी वाली थाली है। इसका प्राइस कितना है?
ओनली जस्ट 100 रुपये की थाली, अभी देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। तो भैया यहाँ का हमने कस्टमर से बात की और यहाँ जिन्होंने खाना बनाया उस्ताद जी उनसे भी बात की, खाना भी आपके बहुत ही हाई क्वालिटी का खाना है, प्राइस भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। भैया यहाँ का एड्रेस क्या होगा एक बार अगर कोई भी आना चाहता है तो? प्लर नंबर 714 ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन, ओल्ड फरीदाबाद का मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में ही है। ओके तो दोस्तों ये है यहाँ का एड्रेस और आप क्राउड अभी भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ के छोटे छोटे नान का आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों आप एक बार यहाँ पे जरूर आइए दोस्तों, वो क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में बहुत हाई क्वालिटी का खाना ये लोग दे रहे हैं, ये इनका पूरा का पूरा सेटअप है दोस्तों, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे साथ एक और भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? हरी भाई, आप कहाँ से आए हो? 86 स्पेशली यहाँ पर आए हो छोटे नान खाने? भाई कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पे क्राउड जैसे बढ़ता है, जब भी निकलता हूँ भीड़ की भीड़ दिखती है, तो उस हिसाब से चेक कराया मैंने भी, तो 4-5 दिन से कंटिन्यू बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। नहीं मैं देख रहा हूँ हरी भाई प्राइस में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही लाजवाब है खाना यहाँ पे। ये आपके फ्रेंड है भैया, आप भी साथ में आए हो, आपको कैसा लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया है दोस्तों, मैं जिससे पूछ रहा हूँ कोई खाना बहुत ही पसंद आया है और आप यहाँ पे जरूर आइए और दोस्तों खाने का आनंद लीजिए फ्रेंड्स। एक थाली रोटी की है।